अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आपने मन बना लिया कि आपको बाल स्ट्रेट करने हैं लेकिन आपके पास स्ट्रेटनर ही नहीं है, या फिर अगर आपका स्ट्रेटनर ही ख़राब हो जाए तब क्या करोगे? सोच में पड़ गए ना, अब पार्लर जाने का भी टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सो ऐसी सिचुएशन में आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ईजी जुगाड़, सो बने रहें। Hey guys, this is Millie and welcome back to my channel. So, आज की वीडियो आपको पता चल ही गया होगा हेयर स्ट्रेटनिंग के ऊपर है, लेकिन ये हेयर स्ट्रेटनिंग थोड़ी अलग टाइप की है, इसमें हम स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करने वाले हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक इमरजेंसी हैक है, मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नीड है कि आपको बाल स्ट्रेट करने ही करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी आप प्लीज़ ये हैक को यूज़ करें। एंड ये वाला हैक एक्चुअली ये मुझे मेरे स्कूल टाइम में पता चला था, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। उस टाइम पे मेरे पास स्ट्रेटनर नहीं होता था, आई गेस स्कूल टाइम में मोस्टली लोगों के पास में स्ट्रेटनर नहीं होता है, अब हो सकता है, उस टाइम पर नहीं होता था। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा था मुझे बाल स्ट्रेट करने का, तो मैंने ये चीज़ ट्राई करी तो डांट पड़ी घर पे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं छुप छुप के कर लिया था, लेकिन कभी कभार करती थी, ऐसा नहीं कि डेली कर रही हूँ। तो आप भी प्लीज़ कभी कभार ही करना, बहुत इमरजेंसी हो तब। ऑल्सो गाइज, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटे से दो तीन डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, अपनी रिस्पेक्ट करिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप एक टीनेजर हैं या फिर आपकी एज कम है, बच्चे हो, तो आप प्लीज़ मत ट्राई करिएगा। सेकेंड चीज़, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, बड़े हैं तब भी अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो प्लीज़ किसी की गाइडेंस में करें या किसी की हेल्प ले लें करते टाइम। थर्ड चीज़ गाइस, आपको जो आयरन यूज़ करनी है वो हैवी मेटल वाली नहीं होनी चाहिए, हल्की लाइट वेट होनी चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सो बाकी पूरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अच्छे से स्टेप्स देखिएगा कि कैसे करना है, तो वरना कुछ भी हार्म कर सकते हैं आपको हर्ट हो सकता है, तो इसलिए आपको अंदर आगे वीडियो में एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। ऑल्सो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए आप वीडियो में मूव ऑन करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर। तो आपको चाहिए होंगे कुछ तीन चार चीज़ें, आपको चाहिए होगा एक सीरम, एक ब्रश, और अगर आपके पास अगर कोई हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको चाहिए एक मोटा वाला टॉवल, कुछ इस टाइप के, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम कर लीजिए कि बालों में ज़रा सी भी उलझने ना रहें, ज़रा सी भी कुछ भी गांठें ना हो, बिल्कुल अच्छे से कॉम कर लीजिए नीटली। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा सीरम अपने हाथ पे ले रही हूँ एंड इसको अच्छे से अपने बालों पे हर जगह अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरे बाल, जब मैं इसको यूज़ करूँगी, हीट इतनी जाएगी बालों में, सो वो उससे प्रोटेक्ट करेगा हमारे बालों को। ऑल्सो अगर आपके पास हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो अप्लाई कर लीजिए अगर वो हो तो। मेरे पास नहीं था तो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे, मैं सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ अपने चैनल पर बहुत जल्दी, सो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसके बाद ज़रूर अपने बालों को भी अच्छे से कॉम कर लीजिए, ताकि जो भी सीरम हमने अप्लाई किया है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। देन अपने बालों की अच्छे से पार्टीशन कर लीजिए। पार्टीशन करने से आपको इजी रहेगा कि जब आप स्ट्रेटनिंग करेंगे तो बाल मेस नहीं होंगे एंड थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर आप स्ट्रेट कर सकते हैं। सो मैं अपने बालों की अच्छे से पार्टीशन कर रही हूँ। अब इसके बाद अपने टॉवल को अच्छे से तीन चार बार जितने भी फोल्ड हो सके उतनी बार फोल्ड कर लीजिए। मेरे टॉवल की लेंथ के हिसाब से यहाँ मैंने तीन फोल्ड करे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, सिंगल लेयर में यूज़ नहीं करना है, फोल्ड करके ही यूज़ करें, वो आपकी हैंड्स को प्रोटेक्ट करेगा, हीट नहीं आएगी। अब इसके बाद जो टॉवल है अपने बालों के नीचे रख दीजिए, जहाँ पे भी जिन बालों को आप स्ट्रेट करना है उनके नीचे आपको टॉवल रखना है एंड बालों के ऊपर आपको प्रेस चलानी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इस आयरन को ले जाना है। एंड रिमेंबर, आपको रोकना नहीं है बिल्कुल भी, बाल जलने का खतरा होता है। सो बिल्कुल एक साथ एक सांस में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेस करते जाइए। अब कपड़े की तरह प्रेस नहीं करना जैसे कपड़ों पर करते हैं, बालों पर प्रेस अलग तरीके से की जाती है। सो आपने देख ही लिया किस तरीके से मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, इसको सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सो एक साइड का हो चुका है, अब मैं सेम प्रोसीजर सेकेंड साइड में भी करके आपको दिखा रही हूँ। सो टॉवल बालों के नीचे लगाइए, बालों को ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, देन ऊपर से आपको आयरन को उसके ऊपर चलाते जाना है धीरे धीरे से। एंड रिमेंबर एक चीज़ और, आपको बंद आयरन यूज़ करनी है, मतलब चलती हुई
इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं जानी चाहिए। सो आयरन को पहले हीट अप कर लीजिए एक टेम्परेचर पे, देन उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको आयरन यूज़ करनी है एंड जब वो वापस ठंडी हो जाए उसको वापस से हीट अप करिए, फिर उसको दोबारा से बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, देन उसको फिर से यूज़ करें। सो यही सेम प्रोसीजर आपको पूरा फॉलो करना है अपने सारे बालों में। सो मैंने आगे के दो पोर्शन को मैंने स्ट्रेट कर दिया है, अब बाकी के हेयर को भी मैं जल्दी से स्ट्रेट कर दूंगी। गाइस मेरी स्ट्रेटनिंग हो गई है एंड आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मेरे बालों पे। सो आप भी जरूर ट्राई करें लेकिन विद इंस्ट्रक्शंस जो भी मैंने आपको दिए हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाएं, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं ऐसी प्यार प्यार वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। ऑल्सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।